नीचे वाले डायग्राम पे अलॉन्ग मूव करूं, कारण ये वाले पे आ जाऊं, यहां से नीचे वाले पे आ जाऊं, तो ये मेरा कैपिटल दे रहा है K1 डैश और लेबर उतना ही दे रहा है L1 दे रहा है, तो दोनों में से आउटपुट किस पे ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ऊपर वाले पे होगा या नीचे वाले पे होगा? ऊपर वाले पे होगा, जबकि यहाँ पे पॉइंट E के ऊपर हमने बात करी दोनों में सेम आउटपुट प्रोड्यूस होगा, तो बात कॉन्ट्रेडिक्ट हो गई। तो इसीलिए हम लोग कहते चाहे दो, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दो आइसोकॉन कर्व्स कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। बात समझ में, एक बारी और बोलो, एक बारी और, ठीक है? इसको नीचे वाले एंगल से देख लो, लेबर इतना है, कैपिटल इतना है, आप देख सकते हो लेबर और कैपिटल दोनों का अमाउंट यहाँ पे फिक्स है। ये आवाज तो ये किस चीज की आवाज है? एक स्पेसिफिक आउटपुट है क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमारी डेफिनेशन है कि अलोंग द आइसोकॉन कर्व लेवल ऑफ आउटपुट सेम रहेगा, तो जब ये दोनों इंटरसेक्ट करें तो आउटपुट का लेवल यहां पर मान लीजिए है 100 यूनिट्स। तो कायदे से इस पॉइंट से मैं नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं तब भी मेरा आउटपुट का लेवल सेम होना चाहिए,